वहां पर इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि जो रोडवेज कर्मचारी है वो हड़ताल पर है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है फिलहाल वहां से? देखिए प्रीति, मैं पानीपत बस अड्डे पर खड़ा हूँ। पानीपत बस अड्डा इसलिए अहम है, ये परिवहन मंत्री का अपना जिला है। पानीपत डिपो पर आप देखिए, चारों ओर जो बसें हैं, ज्यादातर बसें रुकी हुई हैं। जी सुबह कुछ बसें निकली थी, जैसे पानीपत से अजमेर, पानीपत से जयपुर, हरिद्वार, दिल्ली चंडीगढ़ का रूट भी कुछ उस बसें चल रही हैं। लेकिन ज्यादातर बसें जो है 70-80% बसें डिपो पर खड़ी हैं, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये आपको दिखाऊं, ये मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, ये हरिद्वार रूट है। हरिद्वार जिनको जाना है, हरिद्वार बसें जा रही हैं। खास बात यह है कि कर्मचारी जो है वो जबरदस्ती नहीं करे, क्योंकि पुलिस फोर्स काफी संख्या में मौजूद है। और खिलाफ एक्शन होगा। जी तो ये मेरे साथ कुछ यात्री खड़े, मैं इनसे भी बात करता हूँ। हाँ, आता हूँ। आपने कहाँ जाने, बताओ कहाँ जाने? अच्छा, देहरादून जाना है। आपको पता नहीं हड़ताल थी आज? मुझे पता नहीं था। आज क्या करेंगे अब? मैं सोच रहे थे कोई गाड़ी जाने से नहीं, देहरादून जाने के लिए हरिद्वार की बसें जा रही हैं। ये हरिद्वार के तमाम लोग खड़े हैं, तो आप हरिद्वार जाके देहरादून जा सकते हो ना? पता नहीं जी, ये रास्ते का पता नहीं हमको। और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, आज हड़ताल है, बसें नहीं चल रही, लेकिन आपको तो बस मिल गई ना? बताओ बताओ कहाँ जाने, बताओ। बिजनौर जाना है, बिजनौर। तो ये हरिद्वार रूट पर बसें चल रही हैं, लोगों को ज्यादा प्राइवेट बसें हैं, प्राइवेट जीपें, मैक्सी कैब, उनको अलाउड किया है कि आप बिना परमिट के, बिना रूट के आप जा सकते हैं, ताकि पब्लिक को असुविधा ना हो। तो ये मीचे जो लोग खड़े हैं, इनको शिमला मुजफ्फर इनको इनको शामली, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार, देहरादून जाना है। इन लोगों को बसें मिल रही हैं, लिहाजा मिली वो प्राइवेट वाहनों का सहारा ले रहे हैं। या जी देवेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब पिछली बार हड़ताल पर गए थे रोडवेज कर्मचारी, उस वक्त स्थिति किस तरीके की बनी थी, हमने सभी ने देखा था, लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ा। इस बार क्या लगता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सब कुछ सामान्य ही लग रहा है, क्या इस तरीके की स्थिति आगे पैदा हो सकती है? देखिए प्रीति, पहले की हड़तालों और अब की हड़तालों में फर्क ये है, 5 सितंबर को मैंने जो हड़ताल हुई थी, पुलिस प्रशासन ने काफी सख्त की थी। जो कर्मचारी बसों को रोक रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, जेल भी भेजा गया था। लेकिन आज दूसरी बार ऐसा हुआ है, पुलिस बल गेट पर तैनात है। उनका साफ कहना है कि अगर जबरदस्ती बस को रोका जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं ये मान सकता हूँ कि रोडवेज कर्मचारी, उनको सरकार प्रशासन की सख्ती का डर है, इसी वजह से वो धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन बसों को नहीं रोक रहे। जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पिछली बार कई जगहों पर धारा 144 लागू की थी, अगर इस बार की बात की जाए तो क्या वहां पर कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है? सुन पा रहे हैं से आप मुझे? सख्त आदेश है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करें, लेकिन जबरदस्ती बसों को नुकसान पहुंचाया, बसें रोकी, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस सख्ती का असर नजर आ रहा है। जी देवेंद्र, ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि पिछली बार जो रोडवेज कर्मचारी थे वो बसों को नहीं चलने दे रहे थे, बसों के आगे लेट गए थे, इससे जो लोग थे उनको काफी दिक्कतें हो रही थी। फिलहाल इस तरीके की कोई तस्वीर कहीं से सामने नहीं आ रही है इस वक्त। देखिए सुबह से ही जब कर्मचारी हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले ताकीद किया गई थी कि आपने लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करना है, अगर आपकी मांगे है वो सरकार का काम है, मांगे पूरी करना, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। उसी पुलिस और प्रशासन की सख्ती का नतीजा है कि बहुत इक्का दुक्का बसें तो चल रही है, लेकिन ज्यादातर बसें खड़ी हैं, और कर्मचारी कोई व्यवधान नहीं डाले, जिस बस को जहां जाना है वो जाने दे रहे हैं। जी। देवेंद्र, ये जानना चाहूंगी वहां पर जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो किस तरीके से इस हड़ताल को देखते हैं? जहां मैं प्रीति, जहां मैं खड़ा हूं, ये हरिद्वार रूट वाले, हरिद्वार देहरादून जो जाते हैं, आप ऐसे आप बताओ कहाँ जाना है, बताओ। देहरादून में जाना जी। देहरादून जाना, हमें सुबह से परेशान है हम इस समय तक। नहीं, देहरादून जाने के लिए हर
जा रही है। तो कब जाते लेकिन आपको बस मिल जाए तो जा रही है आपके देहरादून नजदीक है। कुछ जो आपको नहीं हड़ताल है बताओ देहरादून जाना है 6 बजे बस आती थी थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन हमें पहले नहीं पता उनके बारे में। लिहाजा बहुत सारे लोगों को पता था कि रोडवेज की 2 दिन की हड़ताल है आज और कल 2 दिन हड़ताल है लेकिन लोग तब भी जिनको नहीं पता था या जो जिनका जरूरी था वो घरों से आए हैं किसी प्राइवेट वाहनों से रोडवेज से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं हालांकि इंतजार भी हो रहा है। जी प्रीति जी देवेंद्र अगर इंटरसिटी बसों की बात की जाए जो शहर के अंदर चलती है उनके किस तरीके की स्थिति है इस वक्त क्या वो सुचारू रूप से चलेंगी? इंटरसिटी की लोगों को पता था कि आज बसों की हड़ताल है उन लोगों ने अपने वैकल्पिक प्रबंध किए हैं कोई अपना 2 व्हीलर कोई कार कोई प्राइवेट जीपे जो चलती हैं उनका उनको सहारा लिया है तो प्राइवेट वालों को ज्यादा दिक्कत रही है 5 किलोमीटर लेकिन जिन्होंने बाहर जाना है उनकी दिक्कत है। जी देवेंद्र ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि हड़ताल यहाँ पर कर्मचारी कर रहे हैं कौन कौन से यूनियन शामिल है इस हड़ताल में? देखिए इस हड़ताल में जो 6 यूनियन है रोडवेज की उनकी एक तालमेल कमेटी है जो फैसले संयुक्त रूप से लेती है 6 रोडवेज यूनियन की तालमेल कमेटी ने फैसला लिया है और सभी यूनियन जो है इस हड़ताल में शामिल है। अब फर्क ये नजर आ रहा है कि जो पहले हड़ताल होती थी जोर जबरदस्ती बसों को रोका जाता था अब कोई नहीं रोक रहा अगर कोई बस को रोकेगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी उसको जेल भी भेजा जा सकता है जैसा 5 सितंबर पिछले महीने जो हड़ताल हुई थी तब भी ऐसी सख्त कार्रवाई थी उसी का असर है कि आज कर्मचारी ज्यादा वो नहीं करे अपना दरी बिछा के धरना प्रदर्शन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जी लेकिन देवेंद्र अगर उस वक्त का असर होता तो उस वक्त तो किस तरीके से हड़ताल पर जब कर्मचारी गए थे लाठीचार्ज हुआ था एस्मा लगा दिया गया था काफी दिक्कतों का सामना उस वक्त रोडवेज कर्मचारियों को करना पड़ा लेकिन फिर अब दोबारा से उन्हीं मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं। देखिए प्रीति पिछली बार जो 5 सितंबर की हड़ताल थी करीब 600 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें जो कर्मचारी नेता थे उनको जेल भी भेजा गया था जैसे हिसार वाले जो थे उनको करनाल जेल भेजा गया था कई दिन बाद उनकी जमानत हुई थी उसी सख्ती का असर है कि जो वो कानूनी पचड़ों से बचना चाह रहे हैं हड़ताल तो कर रहे हैं लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे ये फर्क जरूर नजर आ रहा है। जी तो क्या असर दिखेगा इस हड़ताल का क्योंकि जिस तरीके से हड़ताल किया जा रहा है क्या लगता है कि मांगे मानी जाएंगी कोई असर होगा इसका? देखिए हड़ताल का असर तो प्रीति नजर आ रहा है कल की भी हड़ताल है आज की भी आप ये मान सकते हैं कि 30% बसें जरूर चल रही है ये वो लोग हैं जो इस हड़ताल को नहीं माने या इनका समर्थन नहीं दे रहे। जी जी देवेंद्र वहां पर इस वक्त आपके साथ कई लोग मौजूद हैं मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत कीजिए इस हड़ताल का उन पर किस तरीके से असर पड़ रहा है जानने की कोशिश कीजिए। आप बस अड्डे आए हो क्या कहीं किसी को भेजना है? हाँ हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं सहारनपुर से जाना था तो सुबह से काफी परेशानी हो रही है बस की वेट कर रहे हैं लेकिन वो बोल रहे हैं बस आएगी आएगी बस का अभी तो कुछ पता नहीं। टिकट भी कट गई हमारी। हाँ। आपकी क्या परेशानी कितनी देर से खड़े? 1 घंटा हो गया 1 घंटे से खड़े हम अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि जो है जाएगी देहरादून बस और टिकट भी हमारी बना दी उन्होंने तो उनकी वेट कर रहे हैं बस। तो प्रीति आप मेरी दाई तरफ ही देखिए बसें जो है कुछ बसें चल रही हैं लोगों को घंटे 2 घंटे में इंतजार के बाद अपना साधन जरूर मिल रहा है लोग अपने घरों पर अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे ये उनको उम्मीद जगी हुई है क्योंकि कुछ बसें चल रही हैं।